हरियाणा में हिसार के आदमपुर उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार कुड़ाराम नंबरदार को जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह ने अपना समर्थन दिया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वामी जसमेर सिंह ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उसने अपना तालमेल कुलदीप विश्नोई के साथ बना लिया। इस बात की भनक स्वामी जी को मिली तो उन्होंने फैसला किया, हम इनेलो के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि स्वामी आज ऑफिस जा रहे थे तो कुलदीप के एक समर्थक ने इनको धमकी दी कि आदमपुर में आओगे तो बुरा सलूक किया जाएगा, भाजपा के लोग बौखला चुके हैं, आज जब ये समर्थकों के साथ आ रहे हैं तो इनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कईयों के चोट लगी है। इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उससे पूछ भी लूंगा आज कि क्या चाहते हो तुम। ये भय होल्डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं, और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी फिर उसको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, फिर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह, फिर तो एन बैम निकाल देंगे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो दफा करने की कोशिश करी है और दोनों दफा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई है। अब भी मैं खुले तौर पर बात कह रहा हूं कि प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है किसको वोट दे ये उसने देखना है, लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो समय निश्चित है सुबह से शाम तक वो कहीं भी लाउडस्पीकर पे खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, किसी के घर जाकर के मांग सकता है, पर इस तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात समझाना चाहता हूं, इस तरह की वो क्राउड में कुछ नहीं रखा। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छे काम किए होते तो आज फिर इस तरह की अच्छी हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हिसार से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फोनलाइन पर जोड़ चुके हैं। अमित, जानना चाहेंगे हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिस तरह से हलचल तेज हो चुकी है तो वहीं आदमपुर उपचुनाव में राजनीतिक बवाल भी देखा जा रहा है। जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान की गाड़ी पर पथराव किया गया और अब इस पर साफ तौर पर अभय चौटाला ने नाराजगी भी जताई और कहा है कि कुलदीप विश्नोई के समर्थकों ने पथराव किया है। बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज हो रही है। जैसे जैसे कि नजदीक चुनाव आ रहा है वैसे वैसे भी राजनीतिक में जो दिग्गज नेता वो भी लगातार मैदान में उतर चुके हैं। अजीब बात की जनता कल्याण मोर्चा के जिस इस पर अध्यक्ष पे यहाँ पर हमला हुआ था उस पर यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर संज्ञान ले लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है जो हमला हुआ केवल कुलदीप विश्नोई के द्वारा ही किया गया, क्योंकि उसके द्वारा वहाँ पर जो शीशवाड़ गाँव है वहाँ पर उसके समर्थकों द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद कुलदीप विश्नोई से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ऐसे कोई किसी के साथ हमला नहीं किया और हमने किया जो था कि हम आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर कुलदीप विश्नोई ने साफ तौर पर मना कर दिया। जी, जिस तरह से बाबा जसमेर का आरोप है, जनता कल्याण मोर्चा का घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक कुलदीप विश्नोई से मिल गया और इस तरह का अब जो ये बातें सामने आ रही है पथराव की, जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पथराव हुआ है, क्या लगता है राजनीति किस मोड़ पर जा सकती है? अजी, राजनीति की बात कह रहे हैं, इस राजनीति को बिल्कुल साफ कुलदीप विश्नोई ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमने किसी पर भी हमला नहीं करवाया, हमने हमले कराने की क्या जरूरत है क्योंकि हमारी जीत पक्की है। जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान किया कि जो जसमेर सिंह पर हमला हुआ केवल कुलदीप विश्नोई के समर्थकों द्वारा किया गया है, क्योंकि कुलदीप विश्नोई की तो लगातार यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है और अपनी हार को देखकर ही कुलदीप विश्नोई ने समर्थक यहाँ पर जसमेर सिंह को हमला कराया, जिसके बाद अन्य पार्टी भी लगातार कुलदीप विश्नोई पर आरोप लगा रही है। लेकिन तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ओम प्रकाश की बात की आज झगड़ा आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पति ऐसे की निकलवाती ये जो अन्य पार्टी आरोप लगा रही है हमले करने को लेकर, ये आरोप सिरादार है, हमने किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया। जी, कहीं ना कहीं क्या लगता है हरियाणा के जो आदमपुर विधानसभा सीट है उस पर जो उपचुनाव होने वाला है उस पर क्या दलित कार्ड खेला जाने लगा है? क्योंकि पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुलदीप विश्नोई ने कहा कि मुझ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है,
लेकिन हकीकत तो ये है कि दलित विरोधी वो नहीं है बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर बात किया तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी की पूरे हरियाणा की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यही उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के लिए भी क्योंकि अहम है, क्योंकि 2024 विधानसभा का रास्ता यही पे खुलेगा। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का भी यही से खुलेगा, क्योंकि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीसी के दौरान बात की थी कि उनका साफ तौर पर कहना कि लगातार यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस का बना हुआ है आदमपुर चुनाव को लेकर। बीजेपी की बात करो, उन्होंने बीजेपी पर कुलदीप बिश्नोई पर भी काफी आरोप लगाए कि उनका कहना है कि 8 साल के अंदर बीजेपी ने कोई भी कार्य नहीं करवाए और ना ही कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायक होते हुए कोई कार्य करवाए, जिसको लेकर अब लगातार कुलदीप बिश्नोई भी लगातार अन्य पार्टियों पर हमलावर हो रहे हैं। और जो अन्य विपक्ष की बात की जाए तो लगातार वे भी कुलदीप बिश्नोई पर हमलावर हो रहे हैं। दोनों ही तरफ से यहाँ पर लगातार एक विषय पर निशाने साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे की नजदीक चुनाव आ रहा है वैसे वैसे हलचलते। बिल्कुल, धन्यवाद अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जो है वो आ चुका है, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। लगभग 2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ राजनीतिक हलचल इसमें देखने को मिलती है।